ये ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के द्वारा जारी किया गया है और इससे आप सभी को बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा और मैं इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया का सबसे पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? भारत। हाल ही में नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर नया रिकॉर्ड? 28। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोवा गांवों में गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में बोडो शांति समझौता का महोत्सव में शामिल हुए? असम। हाल ही में किस राज्य में दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश। भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में किस बीमारी से लाइन लाई ने सॉरी किस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई है? कोरोना वायरस। भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संस्था की स्थापना की है? भुवनेश्वर। हाल ही में किसे पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र की शुरुआत की है? इसरो। एस्टेब्लिश इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 1962 में इसका नाम था कोस पर, जो कि बाद में अलग अलग हो गया पाकिस्तान में और ये इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन हो गया और इसका हो गया नहीं सॉरी सॉरी इसका जो था 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। पहले 1962 में इसका नाम था INCOSPAR, निस्कोस इनकोस पर। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटक भारत में है और इसका डायरेक्टर जो है KSIVAN है। कोरोना वायरस की वजह से किस देश ने वन जीव का व्यापार में पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है? चीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश में अलकायदा नेता कासिम अल रिस्मी को मार गिराने की घोषणा की है? यमन। हाल ही में किस देश ने 14 1,40,000 की परियोजना 1,40,000 डॉलर की परियोजनाओं की लागत से दुनिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड इमारत बनाई गई है? संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन अकोनकागुआ पर चढ़ाई करने वाले पहले भारत करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। किस देश के क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप की विजेता हुई है? बांग्लादेश, भारत को हराकर। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण का लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रोक लगा दी है? बिहार सरकार। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वॉकिन फिनिक्स। पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? पारासाइट। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसका कुछ 2020 का ऑस्कर। बेस्ट फीचर पिक्चर मिला है पारासाइट को। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म मिला भी है पारासाइट को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4 को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्टिव लर्निंग टू ए स्कोर बोर्ड इन वार जोन ई इफ यू आर अ गर्ल इनको मिला है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द नेबर्स विंडो और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हेयर लव को मिला है। भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2017 से संयुक्त युद्ध अभ्यास आरंभ किया गया? अजय वॉरियर। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस नए उपग्रह की खोज की है? 2 मास 2 MASS 11557919। किस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई है कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली दी जाएगी? पश्चिम बंगाल।
कौन सा देश अपनी जनसंख्या जनगणना में पहली बार तीसरे लिंग की गणना करेगा? नेपाल। कौन सा देश भारत भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए मुफ्त यात्रा समाप्त कर रहा है? भूटान। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनी है? आम आदमी पार्टी। हाल ही में किस भारतीय पूर्व के मंत्री ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो मुप्पावार रप्पू वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू का पूरा नाम है मुप्पावार वरप्पू वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के और राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं। हाल ही में किस देश को ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? ऋषिकेश। हाल ही में किस देश द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? COVID-19। कोरोना वायरस डिजीज़ 19। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? UNHCR। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? कावेरी डेल्टा क्षेत्र। किस राज्य द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भू जल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश। किस संगठन ने नए कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 657 मिलियन डॉलर की प्रतिनिधि की मंजूरी दी है? विश्व बैंक। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश। भारतीय फिल्म मेकर रीमा दास की द विलेज रॉक स्टार फिल्म को किस राज्य की कक्षा 7 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाने की घोषणा की गई है? असम। विश्व स्वास्थ्य संगठन में हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है? कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन में हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है? कोरोना वायरस। हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज। हाल ही में किस राज्य में रीडिंग मिशन 2020 को शुरू किया गया है? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन व्यायाम 2020 आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अंतिम है आपका 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, जिसका विकास हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किया है? प्राणस। थैंक यू।